तो मेकअप किस लिए किया जाता है? ताकि आप असली चेहरा छुपा सके। सच्चाई तो यही है, लेकिन आज हम कुछ अलग टाइप के मेकअप देखने वाले हैं, वो आंखों को धोखा दे देने वाला। हालांकि हर तरह का मेकअप आंखों को ही धोखा देता है, पर ये अलग है। उदाहरण के लिए ये फलों का दुकान देखे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको गुस्से में कभी ना कभी किसी ने ये जरूर कहा होगा कि फाड़ देंगे, लेकिन फाड़ने के बाद अगर कोई चिपकाने का कोशिश करे तो आप कुछ यूं नजर आएंगे। इस टैलेंट और इस मोहतरमा को देखकर हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे, वाह दीदी वाह दीदी। जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, और जिससे देखा जाता है वो दिख नहीं रहा है। अबे क्या बकरा है? बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप डायरेक्ट देख लीजिए। म्यूजिक भाई, इनके चेहरे का चुड़ैल हो गया है और मेरे दिमाग की तरह करता रहता है। अगर आपके पास दो मुंह होता, एक ये और एक ये, प्रवचन देने के लिए इधर से और गाली देने के लिए इधर से, तो आपको कैसा, मतलब आप कैसा दिखते ब्रश करते वक्त? सोचिए, मैं आपको दिखा देता हूं। भाई कारीगरी यहाँ तक कमाल है कि दोनों में से कौन सा मुंह असली वाला है, ये सवाल है। वैसे अगर आपको कोई ये बोले कि ऐसा रैपेट मारेंगे कि पांचों के पांचों उंगली, पूरा हाथ ही तेरे थोबरे पे उग जाएगा, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन इन मोहतरमा को आइडिया आ गया, देखिए। आपने रामायण देखा होगा तो एक चीज आपको याद होगा कि जब हनुमान जी श्रीलंका के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है जिसकी एक आंख होती है और एक मुंह होती है, और वो खाना चाहती है हनुमान जी को, रामायण को खत्म करते हैं। ये वही सा आइडिया चुराया हुआ है। ये देखकर हमें एक गाना याद आ रहा है, ऐसी आंखें हमने कभी देखी नहीं। अबे बंद कर वरना आंख के चक्कर में कान भी खराब हो जाएगा। फिर मजाक मस्ती के साथ साथ एक बहुत ही मैसेज भरा एक मेकअप दिखाना चाहूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। पहले देखिए, समझ में आया? समझ गए होंगे, फिर भी बता दूं, माँ और बच्चे का एक अद्भुत कलाकारी, मतलब बच्चे का नहीं, माँ और बच्चे पे ऐसा कुछ यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया गया है। वैसे तो भाई लेडीज लोग एक ही जुबान से पूरा मकान ढहाने की शक्ति रखती है, लेकिन अगर मुंह में उसके तीन चार जुबान हो जाए तो फिर क्या होगा, जस्ट इमेजिन। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। मस्त कलाकारी, और पहला जो जोक मारा उसको मजाक में ही लीजिएगा, सीरियस नहीं। वैसे उस वक्त से तो हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहे थे, लेकिन अब दिखाते हैं आपको हम रिवर्स इंजीनियरिंग।
भाई कलाकार की कलाकारी देखकर तो हम यही कहना चाहेंगे कि आंखों की तो फिर बेइज्जती कर देगा। वैसे गुस्ताखी से याद आया कि इतने सारे आंख है, कौन सा आंख, वैसे एक और आंख देखे, एक नहीं अनेक। क्या बात है सर, क्या बात है भाई, ये एक अलग तरीके का आइडिया और कंसेप्ट है, और सबसे बड़ी कलाकारी यार, काफी काफी मेहनत लगा होगा। वैसे इस चीज को मैं थोड़ा सा हल्का और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बस अच्छा, क्या मुंह में इतना सारा आंख हो जाए तो हम क्या भविष्य देख सकते हैं? अबे भविष्य तो छोड़, खुद की शक्ल देखने के लिए भी आईने की जरूरत पड़ेगी। वाह, तूने 2% के मुंह से 100% की बात कह दी। वैसे चेहरा एक आईना हो और उस पर कोई पत्थर मार दे तो शक्ल कुछ यूं दिखेगा। ग्रेट इमेजिनेशन। वैसे एक और शक्ल दिखाते हैं और ये देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ग्राफिक डिजाइनर ने इलस्ट्रेटर से डिजाइन किया है। वैसे डबल मुंडी वाला आपने फिल्म जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आपको शौक करता है कि आप भी डबल मुंडी वाले हो जाए, जो कि संभव नहीं है, तो एक चीज संभव कर सकता है, वो भी मेकअप। देखें अगर पूरा बाराती एक साथ भगाना हो तो ये वाला मेकअप दुल्हन को कर दे, सारा पैसा बच जाएगा। वैसे अगर आप आदमी असेंबल कर रहे हो और आंख कान नाक मुंह ज्यादा हो जाए तो फ्लो फ्लो में ऐसा असेंबल हो जाएगा। मतलब जो आंख है वो मुंह है, जो मुंह है वो आंख है जो कान है वो दुकान है। हम बहुत कंफ्यूजन है भाई, कान में कंफ्यूजन है। आगे देखते हैं। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि भगवान ने इंसान को बनाया है और इंसान में मिट्टी लगाया है, ऐसे मिट्टी लगा लगा के। हमारा देहात में दादी लोग बहुत कहानी सुनाती है ऐसा। अगर भगवान जी थोड़े देर के लिए ये काम राजमिस्त्री को सौंप दे तो कुछ ही यूं नजर आएंगे आप। बहुत मस्त भाई, अगर ये आंखें ना खोलती तो ये देख के आप थोड़ा देर के लिए भी नहीं सोच सकते कि किसी इंसान का शकल है। वैसे आगे देखे और यहाँ पे आप कितना भी सर पटक ले, आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, इवन आंख खुलने के बाद भी। जी हाँ, यहाँ पे मेकअप में पूरा मुंडी घुमा हुआ है मेरा, देख के दिमाग घूम गया। आपने हेरा फेरी का ये डायलॉग तो सुना होगा, क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू। लेकिन अगर आप सच में फुग्गे और कोई फोड़ दे तो यूं नजर आइएगा। भाई क्या ये और कहाँ से आता है ऐसा दिमाग। लेकिन कलाकारी के लिए हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, कलाकारी जबरदस्त है, जबरदस्त है।
और आगे वाले मैडम जी को शायद चार्जर तार वगैरह से यूएसबी केबल से ज़्यादा प्यार है, और बगल में फ़ोन भी लटका रखी। देखिए मतलब इनका शकल डेटा केबल से लपेट लपेट के बनाया गया है, क्या कहें हम, दिमाग खाली हो जाता है ऐसा देख के। लेकिन ये चैलेंज आप इस मैडम जी को दे दें कि आपका दिमाग खाली है तो ये खोल के दिखा देगी। देखिए भाई ये ऑपरेशन देख के हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। वैसे एक और देखिए, यहाँ पे तो पतली पत्ती से लपेट लपेट के बनाया गया है, इनका निर्माण हुआ है, वैसा कुछ इल्यूजन क्रिएट है। एक पल को हम चुड़ैल से ना डरे, लेकिन इसे देखने के बाद हार्ट अटैक पक्का है। अभी रुक जाते हैं, वीडियो खत्म करने के बाद लेंगे। वैसे अब हार्ट अटैक टाइप का ही दिखाऊंगा, ये वाला देखिए ये कितना खतरनाक दिख रहा। शकल सुंदर होने वाले मेकअप आपने बहुत देखा होगा, आज मैं आपको दिखाया जा रहा हूं कि शकल छछुंदर कैसे किया जाता है, उसका परफेक्ट उदाहरण ये वाला है। और अब आते हैं वीडियो के लास्ट क्लिप पे, समुद्री जीव जंतु का कॉम्बिनेशन। इतनी चीजों को आप भी नहीं पहचानते होंगे, मैं भी। भाई माइंड ब्लोइंग, इन सब को देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इस लेवल की मेकअप और कलाकारी सीखने के लिए ना जाने कितने साल गंवाने पड़ेंगे, गलाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तब जाके ऐसी चीज निकल के आती है। और ये सच में भयंकर है और ख़तरनाक है, और इसका स्कोप भी है, सिनेमा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मेकअप वगैरह यूज होता है और चेंज करने के लिए वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें ये अपने आप को सुंदर बनाने के लिए नहीं, ये एक्सट्रीम लेवल का कलाकारी है, और ऐसे को हम सैल्यूट करते हैं। और अब हम आपको दो लाइन सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कि उनकी तस्वीर देखते देखते रात हो गई, और बेहोश तो मैं तब हुआ जब उनसे मिले और बरसात हो गई। भाई मेकअप सब कुछ छुपा लेता है और पानी सब कुछ धो देता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।